हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस टाइप के मॉडल को हम सरफेस की मदद से किस तरीके से बनाएंगे। ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से मैंने इसको बनाया है, राइट। तो चलिए इसे करते हैं स्टार्ट। तो आप यहाँ से मॉडल पे आ जाइए और मॉडल में मैंने एक नई फाइल खोल ली है और MM में मैंने यूनिट को यूज़ किया है। तो यहाँ से एक सबसे पहले आप स्केचर में आएँ और फ्रंट वाला प्लेन मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे सर्कल से स्टार्ट करेंगे। और सर्कल जो है मैंने एक यहाँ पे लिया क्लिक, और ये एक ले लेते हैं 120 का और 165 का। दो सर्कल, दोनों का सेम सेंटर, और एक सर्कल मुझे और ऊपर की तरफ चाहिए। और ये जो सर्कल रहेगा मेरा, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो इसको आप ले लीजिए 200 और क्लिक, राइट। अब क्या करेंगे, जो शेप थी कुछ उस शेप से मैच करता हुआ मैं यहाँ से लेता हूँ नीचे की तरफ। तो पहले नीचे की तरफ एक बॉटम की लाइन बना लेते हैं और इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं। और यहाँ पे भी मुझे जो चाहिए एक आर्क चाहिए, और ये मैंने आर्क ले ली। फिलहाल शायद ये टेंजेंट नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं, इसको भी अभी देखते हैं। क्वाड्रेंट को ऑन कर लीजिए, और क्वाड्रेंट को ऑन करने के बाद अब डायमेंशन में जाएंगे। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है, इसके बीच का गैप 10 है, इसको आप 10 रखिए। और ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट है और ये वाला क्वाड्रेंट है, ये गैप हो जाएगा 25 का। तो ये अभी शो नहीं हो रहा, तो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है ये और किस वजह से। तो ये अलाइन किया हुआ है, राइट, और ये डायमेंशन को बाहर लेके आए। तो इसमें से किसी चीज़ को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इसका सेंटर नीचे चला गया, ठीक है, अभी फ़िलहाल इसे डिलीट कर देते हैं। और ये मैंने यहाँ से कर दिया 25 और ओके। और ये जो कर्व है और ये दोनों हो टेंजेंट होने चाहिए, और ये मिरर भी होना है, तो आप इसे सेलेक्ट करिए और इसे कर देते हैं मिरर मिरर इस लाइन के अबाउट। और अभी भी ये जो दूरी है ये हमने डाली नहीं है, ये 120 है। और टोटल हाइट जो है यहाँ से ये वाली, ये डिफाइन कर देते हैं 210 है ये, और क्लोज। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको शो हो गया कि कुछ गड़बड़ है, जैसे ये वाला पॉइंट है जो सेंटर पॉइंट है वो इसकी सीध में आना चाहिए, और ये प्रॉपर मैच हो गया। अभी क्या करना है, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ये लाइन मैंने ली, और यहाँ पे इसके बीच का आप एंगल ले लीजिए ये, और ये जो एंगल है, ये एंगल है 120। और इस कर्व को और लाइन को टेंजेंट कर देते हैं, राइट। ये लाइन मेरी एक्स्ट्रा है, हाइड कर दीजिए। इसकी डायमेंशन आप कर दीजिए या ना, इसकी रिक्वायरमेंट वैसी है नहीं, ये तो रेफरेंस ज्योमेट्री है एडिशनल सिर्फ उसके लिए। तो अभी एक ये वाला जो सर्कल है ये बचा है, और ये डाया इसका गलत आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और एक सर्कल फिर से बनाते हैं। और इस बार मैंने क्या किया, सिंपल सर्कल बना दिया, और इसका जो सेंटर है वो इस सेंटर के साथ वर्टिकली अलाइन करिए। डायमेंशन इसकी 120 का डाया कर दिया, यहाँ तक भी ठीक है। अब जो इसकी पोजीशन होगी वो यहाँ से ये वाली, ये है 25, राइट। अब ये ठीक है, ये वाली दूरी अभी भी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये शायद मैच नहीं हो रहा। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं, अभी भी 1 ऑटो डायमेंशन है कहीं, तो कौन सी वाली डायमेंशन है वो हमें देखना है। ये वाला देखिए, ये आ रहा है एक, तो इसका जो सेंटर है वो हम इस सेंटर के साथ, या इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, इसका सेंटर शिफ्ट हो गया, 0 कर दीजिए, मैच हो जाएगा, राइट। अब स्केच जो है मेरा ये फुल्ली कंसिस्टेंट हो गया है, प्रॉपरली आ गया है। बस यहाँ से आप इसे ट्रिम कर दीजिए, ये पोर्शन मुझे चाहिए नहीं,
और इसे कर देते हैं फिनिश। अब यहाँ से आप रोटेट करिए और एक्सट्रूड ले लेते हैं, और एक्सट्रूड में लिया मैंने कनेक्टेड कर्व, और ये जो बड़ा वाला है इसको लेते हैं इधर, और ये शीट में आएगा और इसको आप ले लीजिए 50 अप्लाई, और ये कर्व और ये कर्व ये दोनों के दोनों ही शीट में रहेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, और इसे आप 10 या 20 कुछ ले लीजिए, जस्ट रिफरेंस के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। अब फिर यहाँ से आ जाते हैं इस वाले प्लेन पे, ओरिएंटेशन इसका सेट कर लीजिए, और यहाँ से हमें लाइन चाहिए होगी एक, और लाइन मैंने ये ऐसी बना ली। और यहाँ पे आप एक काम करिए, आप प्रोजेक्ट पॉइंट भी ले सकते हैं, प्रोजेक्ट कर्व भी ले सकते हैं, तो इंटरसेक्शन कर्व, तो इंटरसेक्शन कर्व लिया अप्लाई। अब ये जो पॉइंट है और ये लाइन है मैच करा दीजिए, और इनके बीच का गैप मैं कुछ 20 कर देता हूँ, नीचे तो 50 है ही, और ये लाइन मुझे चाहिए नहीं। इसे रेफरेंस में कन्वर्ट करिए, फिनिश करिए, और इसको हम कर देते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से पहले एक काम कर लेते हैं, इस पूरे को मैं आधा कट कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा मुझे फ़िलहाल चाहिए नहीं, आधा ही चाहिए। तो यहाँ से आप सरफेस में जाएँ, सॉरी कर्व में जाइए, और यहाँ से लिया प्रोजेक्ट, इस वाले कर्व को प्रोजेक्ट कराना है, और इस वाले सरफेस के ऊपर डायरेक्शन मेरी ये नहीं अपोजिट है उधर की, और ओके, और ये लाइन भी बाहर की तरफ की आ रही है, राइट, ये भी मुझे चाहिए नहीं वैसे, तो अभी कैंसिल करते हैं, पहले एक काम करके ट्रिम कर देते हैं इसे, ट्रिम ये सब इसके अबाउट, और एक बार देख लें, और ओके ठीक है, ऐसा ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो है ये तो आप इसको लें, बाहर वाले को छोड़ देते हैं, ओके, और इस सेकंड वाले पे आते हैं, और सेकंड वाले में इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट, तो ये मेरा बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, और ट्रिम ट्रिम में भी इसको भी सिलेक्ट करिए, ओके कट हो गया, पर ये गलत हो रहा है, तो तीनों को हटा दिया, और फिर से सिलेक्ट करते हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और रेफरेंस ये है, प्रीव्यू, और ओके, राइट, तो तीनों एक ही साइड में सेलेक्ट कर ली। अब ये जो लाइन है ये प्रॉपरली आ नहीं रही, देखिए है ना, ये गलत हो गया, तो इसको हम इसे भी डिलीट कर देते हैं, ये लाइन को ही डिलीट कर दीजिए, दोबारा से ले लेते हैं, और लाइन लेते हैं यहाँ से हम, और ये कॉर्नर पे, अब यहाँ से यहाँ तक 20, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन फिनिश कर दीजिए, ओवर कंस्टेंट शो कर रहा है, वाई अच्छा कोई बात नहीं, इसे आप हटाइए, मैं आपको सिंपल जो तरीका पहले लगा था वही लगाते हैं। यहाँ से गए हम, और यहाँ से आप इंटरसेक्शन कर्व लें, क्लिक करिए, इंटरसेक्शन कर्व आ गया अप्लाई, फिर लाइन ले लेते हैं यहाँ से, है ना, मिड पे मत क्लिक करिएगा, नहीं तो 25 बैठेगा और वो फिर मिड को छोड़ेगा भी नहीं, तो मैंने ये लाइन यहाँ बाहर क्लिक करी, और इसके लिए भी ले लीजिए, ओके, ये लाइन रेफरेंस लाइन, ये लाइन भी रेफरेंस लाइन, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए, और ये गैप बचा है, तो ये और ये 20 फिनिश, और प्रोजेक्ट यहाँ से कर्व में जाइए, और यहाँ से ले प्रोजेक्शन, इस कर्व को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इस वाली सरफेस के ऊपर, डायरेक्शन वेक्टर रिवर्स साइड उधर,
ओके राइट इसको आप हाइड कर दीजिए, इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। स्केच को भी मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी भी रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल नहीं है। अब ये हमने बना लिया और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये रहा हाइड हो गया। अब यहाँ से हमें सेक्शन बनाने हैं, तो सेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला प्लेन लेता हूँ और यहाँ से बनाते हैं क्लिक ओके। और आर्क ले लेते हैं, एक आर्क ये लिया, एक आर्क ये लिया और इधर की तरफ इसको, और इसको पिक करते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइन फिनिश। नहीं ये अभी फ़िलहाल में ठीक नहीं आ रहा, ये जो है ये इस बड़े के साथ नहीं बनना है, इसको डिलीट करिए और ये इधर इसके साथ बनेगा। तो आर्क लेते हैं, नहीं ये आर्क यहाँ से चाहिए हमें, और ये नहीं आ रहा, यहाँ से फिर से लीजिए, ये लिया, ये लिया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और ये कुछ इस तरीके से इसे मैच कर दिया। तो जो सेकंड स्केच है वो भी मैं इसके साथ ही बना देता हूँ नीचे की तरफ, तो आप यहाँ से लें और एक काम कर लेते हैं यहाँ से अभी, यहाँ से गए और यहाँ से ले इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ठीक है। आप इसको पिक करिए और इसको पिक करिए और इस तरीके से इसे हम ले लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसके साथ, क्योंकि यहाँ से ना हमें टेंजेंट चाहिए इसलिए इसको वर्टिकल में लाइए, इसके साथ में टेंजेंट होना चाहिए क्योंकि हम इसको बाद में मिरर भी करने वाले हैं राइट। तो दो तो शेप मेरे पास ये हो गई, अब तीसरी जो है वो मैं बनाता हूँ इस बीच वाले प्लेन पे। कौन सा वाला है, ये वाला प्लेन है और स्केच और ओके। अब यहाँ से जब आप लेंगे ना तो आपको ये प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा होगा, पॉइंट नहीं आ रहा है, तो आप लेंगे यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट, कर्व को सिलेक्ट करिए अप्लाई, फिर यहाँ से इस वाले कर्व से टच कराना है ओके फिनिश राइट। और फिर से आर्क ले लीजिए, कौन सा पॉइंट था, एक तो पॉइंट था ये वाला, एक पॉइंट था ये वाला और क्लिक, जो हमने पहले किया था वही यहाँ से इसको और इसको पिक करेंगे, वर्टिकल लाइन मैच करा दीजिए, इसे कर देते हैं फिनिश। ये हमारे पास तीन ये हो गए, इसको मिलाता हुआ चला जाएगा। एक काम और करते हैं, अब हम एक डाटम प्लेन ले लेते हैं और डाटम प्लेन लेके ये वाला कर्व जो है इसे सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ से करता हूँ परसेंटेज, और परसेंटेज में इसको मैंने लिया, इसके बीच में चाहिए यहाँ पे, तो इसे आप 20 ले लीजिए, 20 ले लिया, 20 पे इन दोनों को मिलाता हुआ आ जाएगा 50, देखिए यहाँ पे आता है 50, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो 50 पे तो नहीं चाहिए, 50 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो आप इसे 25 के आसपास ले लीजिए ओके। या एक काम करिए, पीछे ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना इसके मिडिल पे ले लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो ये जो पीछे वाला कर्व है इसको ले लेते हैं, ये हाफ दिखाई दे रहा है, इसको कर देते हैं 50%, इसके मिडिल पे आ गया और ये प्लेन मेरा रेफरेंस हो जाएगा इन दोनों को बनाने के लिए ओके। और यहाँ से ये आपको भूलना नहीं है, ये अच्छा ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे कर्व को, एक यहाँ पर आ गया पॉइंट, इसे क्लिक करिए, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए कैसा है ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये क्लिक राइट, ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइन और फिनिश। अब इन सबको मिला देते हैं और बना देते हैं सरफेस, तो इसके लिए ले लेते हैं स्टूडियो सरफेस। स्टूडियो सरफेस यहाँ पे है नहीं, इसके लिए शॉर्टकट की है एन, एन प्रेस किया हमने और मैंने कहा पहला कर्व ये है ऐड, दूसरा कर्व ये है ऐड,
तीसरा कर्व ये हो जाएगा ऐड, और मेरा ये फोर्थ कर्व ये वाला हो गया। अब गाइड कर्व में ले लेते हैं, गाइड कर्व हमारा ये हो गया, ये मैच हो गया ऐड, और ये एक और कर्व हो गया, और ओके। तो ये शेप हमारे पास आ गई है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, ये ठीक है। अब इस बाहर वाले के लिए चाहिए, इसको चाहें तो अभी आप हाइड कर दीजिए, हाइड हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें बनाना है कर्व, तो यहाँ से चलते हैं, और ये वाला ही हमारा पहला प्लेन हो गया, और क्लिक ओके, और इसे घुमा लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये कर्व है हमारा ये, और ये, और ये बीच में कहीं क्लिक, और देखें ये आपस में अलाइन हो गया है, ठीक है राइट। फिर सेकंड वाला प्लेन ये वाला है, इस पे स्केच करते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया और घुमा लीजिए, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा ताकि प्रॉपरली इस पे बना पाए। कर्व ले लीजिए, ये एक पॉइंट तो ये है, और एक पॉइंट ये हो गया, और क्लिक, और इधर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ अलाइन करना है, क्योंकि इसके साथ ये टेंजेंट बनेगा राइट, इस वजह से, और इसे कर देते फिनिश। और थर्ड कर्व के लिए बीच का प्लेन स्केच ये लिया, और यहाँ से लेते हैं कहाँ पे है हमारा कर्व, ये रहा, ये दिख रहा है, और इधर का पॉइंट नहीं दिख रहा तो पॉइंट ले लीजिए पहले, पॉइंट इसी कर्व पे कहीं आएगा, और ये लिया, ये पॉइंट इसके साथ हॉरिजॉन्टली लाइन फिनिश। तो एक दो तीन, तीन कर्व ये भी हो गए इधर के भी। अब एक डाटम प्लेन लेते हैं, और इस वाले कर्व पे क्लिक नहीं, रिसेट, इस वाले कर्व पे क्लिक करना है, ना कि सेंटर पे। तो कर्व है ये, और 80% पे ले लेते हैं, नीचे से 80%, ऊपर से 20%, जैसे भी सिलेक्शन आपका आ रहा हो, और इस पे जाके अब स्केच करेंगे, और फिर इसको भी मिलाने की कोशिश करते हैं कर्व की मदद से। तो पहले आप ले लीजिए पॉइंट, और ये है एक अप्लाई, एक ये है अप्लाई, और नॉर्मल कर देते हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट, अर्जेंटली फिनिश, इनको मिला देते हैं स्टूडियो सरफेस से। तो ले लीजिए स्टूडियो सरफेस, पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, और ए फोर्थ वन। फिर यहाँ से आ जाइए आप कर्व में, कर्व है ये वाला ऐड, और एक कर्व है ये वाला और ये वाला। तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं, सेकंड वाले में आप टेंजेंट ले लीजिए राइट, तो उधर की तरफ से टेंजेंट होना चाहिए ओके। और इधर वाला जो हाइड किया था उस वाले को भी मैं शो करा देता हूँ, ये देखिए। अब ये जो नीचे की शेप बची है, इसके लिए हम नीचे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक कर्व बना के उसके बाद इसे फिल करते हैं। स्केच में जाके इस फेस पे क्लिक किया ओके, और यहाँ से शुरू किया एक लाइन को, और यहाँ तक पूरा नहीं मिलाया, ये 39 40 कर देते हैं इसको, और फिर यहाँ से एक लाइन ले लीजिए, और यहाँ से भी एक हल्की सी लाइन ले ली, और लाइन को मैंने यहाँ से 5 ले लिया, और फिर लेते हैं यहाँ से इसको पिक करिए, और इसको पिक करिए, और ये बनाया राइट। तो ये यहाँ से टेंजेंट हो गया, और इसको भी ये जो कर्व है, और ये दोनों को टेंजेंट करना है, तो टेंजेंट ये कहीं नीचे जाके हो रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं बता रहा है कि टेंजेंट होगा, मैंने इसे डायमेंशन को डिलीट किया तो यहाँ पे पहुँच गया। अगर इसकी टेंजेंसी की बात करते हैं तो ये टेंजेंट प्रॉपरली आ नहीं रहा, तो क्या करते हैं,
अंडू, इसको एक मिनट डिलीट करिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लिया, और एक आर्क, ये ले ली। अब यहाँ से लेता हूँ मैं इसको, और इसको कर दीजिए टेंजेंट, इसको और इसको कर दीजिए टेंजेंट, ऑलरेडी है, और ये भी टेंजेंट, राइट, क्लोज। और ये जो लाइन है ये मुझे नहीं, वर्टिकल है, राइट, वर्टिकल ही है। और इधर से इसको मैं लगभग नहीं, 50 नहीं, 40 भी नहीं, 25, मैं थोड़ी सी बड़ी हो रही है, 25 ले लेता, राइट, 25 हो गया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसे 20 कुछ भी ले लीजिए, जिसकी तो रिक्वायरमेंट मुझे है नहीं, लेकिन बस यहाँ पे है तो हम ले लेते हैं, और ये 90 ले लेते हैं, और क्लोज। ये लाइन चाहिए नहीं, इसे कर दीजिए रेफरेंस, फिनिश। और इसको मैं सरफेस में जाके यहाँ से कर देता हूँ कनेक्टेड कर्व, और क्लिक ओके, और इसे हाइड कर देते हैं, नहीं इसे नहीं हाइड करना है, कर्व को हाइड करना है, आप कर्व को हाइड कर दीजिए। एक कर्व यहाँ पे भी चाहिए हमें, ये कर्व मैच होके तभी तो आएगा जब इसको लेंगे। स्केच लेते हैं, और ये प्लेन क्लिक ओके, और आर्क की मदद से ये, और ये पॉइंट, ये लिया, ये पॉइंट, और ये पॉइंट अलाइन कर देते हैं, फिनिश। इस लाइन को एक काम करिए, उधर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया ताकि टेंजेंट मिल जाए मुझे, राइट, इसके लिए मैंने इसको लिया है। और ये कर्व तो ठीक है, ये वाला कर्व को हाइड कर देते हैं। आप इसे फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और लेंगे फिल, और फिल के लिए मैंने यहाँ से लिया G1 टेंजेंट, इधर भी टेंजेंट, इसे ऑन कर लीजिएगा, इधर से भी टेंजेंट, और इधर बाकी अब चाहिए G0, तो ये कर्व G0, फिर G1, इसके साथ G1, फिर G0, ये वाला, और अप्लाई, राइट। देखिए क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर चाहिए था इसलिए G0, यहाँ पे टेंजेंट चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे बना लिया और प्लेस कर दिया है। अभी आप चाहें तो यहाँ से जाइए एनालिसिस में, और ये लिया मैंने रिफ्लेक्शन में, आप सेलेक्ट करिए इसे, ये रहा, ठीक है, स्मूथ आ रहा, ये भी साथ में टेंजेंट ही है, राइट, अगर लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। देखिए अगर कहीं पे भी कुछ आपको गड़बड़ लगेगी तो आपको ये ऐसा शो नहीं होगा, राइट, आप इसे हाइड कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, राइट, आ गया, यहाँ से लेना है, क्लिक करिए, क्लिक करिए, और क्लिक करिए, और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बिग लाइन, कलरफुल लाइन, तो जहाँ पे भी आपको कुछ गड़बड़ लगेगी तो ये आपको यहाँ से शो हो जाएगा। तो प्रॉपर टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट हमारा हो गया है, और इसको हाइड किया, इधर वाला भी हाइड कर देते हैं, और ये प्लेन हाइड, ये भी हाइड, और ये भी हाइड, इसको मिरर करना है, तो यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से लिया मिरर फीचर। आप चाहें तो पहले ज्वाइन कर लीजिए इसको, सेव कर लीजिए, बाद में मिरर कर लीजिए, या आप पहले मिरर कर लीजिए बाद में हम इसे सेव कर लेंगे। देखिए इधर का पोर्शन रह गया, राइट, कोई बात नहीं, इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। तो अब ये जो भी है सब सिलेक्ट करिए, और इसे क्लिक करते हैं, और मिडिल प्लेन, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से आप जाइए, और मैं ले लेता हूँ यहाँ से मिरर ज्योमेट्री, आप मिरर ज्योमेट्री में क्लिक, और इस प्लेन के अबाउट अप्लाई, अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, और प्लेन ये हो गया, और ओके कैंसल।
अभी इसको अगर आप देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये अभी सिंपल ऐसा आ रहा है। इसे जोड़ने के लिए क्या करना है, सरफेस में जाइए और यहाँ से सीयू ले लेते हैं। सीयू में जाकर इसको सिलेक्ट किया, बाकी सबको सिलेक्ट करिए और सॉलिड और ओके और कंट्रोल एच, सॉलिड है राइट, सॉलिड बना दिया सरफेस से। अब क्या करना है, अब ले लेते हैं यहाँ से हम ट्यूब, ट्यूब के लिए इसको सिलेक्ट किया पूरे को और 3 mm का कट होना चाहिए, अप्लाई और इधर से घुमा लीजिए और अप्लाई फिलेट 1 का यहाँ पे और यहाँ पे इधर और इधर और ओके। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको कॉपी कर दीजिए, इसे कलर करना चाहते हैं कलर कर दीजिए राइट, यहाँ से कलर आ रहा है और ले लीजिए जो भी कलर आपको पसंद है, यहाँ से बहुत सारे कलर हैं जैसे भी आप रखना चाहें राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।